अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला के रहमत शुक्र और फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़ा रख लिया है, तो सहरी किया तो जो लस्सी थी और जो पानी पिया थोड़ी सी ठंडी थी, थोड़ी सी सर्दी फील हो रही है, तो इंशाल्लाह अभी पढ़ते हैं नमाज। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार होने वाली है, रहिएगा हमारे साथ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तैयारी कर ली है और अब मैं जाने लगा हूँ कॉलेज, जाकर देना टेस्ट और 11 बजे आएंगे इंशाल्लाह वहाँ से वापस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खानवाल से वापस आ रहा हूँ कॉलेज से होकर। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बहुत ही अच्छा हो गया था आपके गांव से, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर वापस और इंशाल्लाह जाकर करते हैं कुछ देर आराम। और 12 बजने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें घर पहुँच आया हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच आया हूँ घर और अब कर रहे हैं कुछ देर आराम। अभी बजने लगे हैं 5 और मैं जाने लगा हूँ इफ्तारी के लिए कुछ सामान लेना है। और अभी बाइक गए थे काम के लिए, बाइक लेकर अभी वो आ जाते थे, इंशाल्लाह चलते हैं नियाज चौक पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिए नए हल, वो पहले पुराने थे जो आपको पीछे नज़र आ रहे हैं, ये वाले थे, ये काफ़ी पुराने थे और इनके जो फाले हैं वो 11 थे, जो अब ले हैं वो इनसे बड़े हैं 13 फाले वाले। इंशाल्लाह जो ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये नए हल लिए हैं हमने, 13 फाले हैं इनके, ये आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाते हैं। देखें ये न्यू कासिम वालों के बने हुए हैं टोबा टैक्स इनके, और देख सकते हैं इनके फाले 13 हैं। ट्रैक्टर के पीछे लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से भाई आ गए हैं, भाई बाइक लेकर आ गए हैं और इंशाल्लाह चलते हैं सामान लेने के लिए। इस रास्ते पे देखें एक थी, उस पे घास फेंक दिया हमने, देखते हैं काफ़ी घास वगैरह ऊपर फेंकी है, तो इस वक्त मैं एक हाथ से बाइक चला के जा रहा हूँ, फिर भी माशाल्लाह कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं पेश आ रही। पहले वाली जो थी वो मट्टी थोड़ी सी सूख गई थी और वो ख़त्म हो गई थी, हवा वगैरह साथ उड़ गई थी, तो आपने घास के ऊपर फेंका है, तो ये देख सकते हैं आप बाइक आसानी से चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह से न्याजी चौक पर पहुँच रहा, न्याजी चौक ये रही स्वीट्स वाली दुकान, यहाँ से लेने हैं समोसे, यहाँ से लेते हैं सबसे पहले समोसे। ये है किराना स्टोर, यहाँ से कुछ सौदे लेने हैं, यहाँ से जामेश्वरी लेनी है और लेनी है चाय। मेरे मोटरसाइकिल का थोड़ा सा चैन हुआ था ढीला, तो यहाँ से ये थोड़ा सा करवाना था टाइट। सारा सामान ले लिया और वापस जा रहा हूँ घर को, लेकिन एक चीज़ भूल गया, बोतल लेनी थी वो भूल गया, रास्ते में दुकान आएगी तो इंशाल्लाह वहाँ से ले लेंगे। अभी तक अफ्तारी में तकरीबन आधा घंटा बाकी है। मैं रास्ते में आ रहा था तो एक मच्छर ऐनक के अंदर से ही आँख में चला गया है, ये देखें जरा बहुत सा, लेकिन फिर भी शुक्र है निकल गया है, आँख में बहुत ही जलन सी हो रही है। ये जो आपको सामने बस्ती नज़र आ रही है, यहाँ पर एक दुकान है, बस तो इंशाल्लाह जाकर बोतल। अल्हम्दुलिल्लाह बोतल रहती थी लेकिन बोतल भी कोई रास्ते वाली दुकान से ले ली है। मैं घर पहुँचाया था, अभी मैं आकर नहाया हूँ और अभी जाना है इफ्तारी कर हॉस्पिटल, और तकरीबन इफ्तारी का टाइम हो गया है, 2-3 मिनट रहते हैं, तो इंशाल्लाह करते हैं इफ्तारी, नमाज पढ़ कर फिर जाएंगे इंशाल्लाह हॉस्पिटल। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी कर ली और अब पढ़ते हैं इंशाल्लाह नमाज। ये देखें शाम होने लगी है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, देखें सूरज ग़ुरूब हो चुका है और आप देख रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह आज चांद भी कैमरे में भी नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से गंदम की जो है ये तुलाई हो रही है, ये देखें सामने ट्राली ट्रैक्टर आया हुआ है, इस पे इन्होंने गंदम लेके जानी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर से निकल आया हूँ, जा रहा हूँ हॉस्पिटल, तो पानी ठंडा भी है
अब मोटरसाइकिल पे थोड़ी थोड़ी सर्दी महसूस हो रही है और आप पीछे से देख रहे होंगे काफ़ी अंधेरा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया था, अभी हॉस्पिटल में बैठा हूँ और आप पीछे से देख रहे होंगे एसी बंद पड़ा है, क्योंकि ये देखें बंद पड़ा है, ये तकरीबन 9 बजे की बिजली गई हुई है और अभी 1 बजने लगा है और बिजली नहीं आई अभी तक, एसी बंद पड़ा लेकिन फैन चल रहे हैं ऊपर से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अस्पताल से वापस आ रहा हूँ घर को और टाइम होने लगा है तकरीबन 9 का। हो गया था और अभी उठा हूँ, टाइम होने लगा तकरीबन 4 का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। दीजिए दरान को इजाज़त, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।